भाई सी ग्रेप्स कहते हैं। हाँ मतलब समझ रहे आपके साथ साथ हम भी कुछ कुछ नया कुछ खा रहे हैं। समुद्री अंगूर, देखिए पिछली बार हमने बोला था वो महफिल सजा लीजिए, आपने अंगूर पता नहीं सजाए कि नहीं सजाए, चौथे वीडियो में हमने जरूर सजा लिए, पांचवी वीडियो में। अगर आपको याद हो कि चौथा वीडियो जब आया था हटके वेज का उसमें भी झोले ने महफिल सजाई हुई थी, और आज तो आखिरी वीडियो है हटके वेज का तो महफिल भी सजाई हुई है, और साथ में दारू दरमद भी लेके बैठा हुआ, साथ में फर्रे भी लेके बैठा हुआ है झोला। मतलब यूजली झोला फर्रे लेके बैठता नहीं, बहुत ही कम स्क्रिप्ट लिखता है, वैसे स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई नहीं है, यहाँ के रेस्टोरेंट के मेन्यू है। हमने सोचा कि कुछ कुछ चीज़ें बोल नहीं पाएंगे, बड़ा भूखा ली। एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक बार दिखा भी दीजिए, थोड़ा सा माहौल दिखा दीजिए क्या क्या चीज़ें हैं हमने, लेकिन बाद में हम फिर से दिखाएंगे आप लोगों को। तो झोले के एक और, अरे कैमरा पर्सन जल्दी हाँ, झोले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। पाँचवा वीडियो हट के वीडियो, शायद तक सेवा समाप्त हो रही है, हमने हट के आपको पाँच वीडियो दिखा लिए शायद तक, पता नहीं आप लोगों ने कितना पिछला वाला वीडियो थोड़ा अप्रिशिएट किया, उम्मीद से ज़्यादा शायद तक व्यूज़ आ गए, इतनी उम्मीद नहीं थी झोले को, और उम्मीद कर रहा था झोला कि 300 व्यूज़ जल्दी आ जाएंगे शायद तक, जिस तरह से परफॉर्मेंस शुरू की थी ना, मतलब नॉट आउट खेला था पहले दो दिन में, क्या सही परफॉर्म किया उस वीडियो ने, हमने उम्मीद थी कि हम बहुत जल्दी उसका तीसरा वीडियो नहीं उसका पाँचवा वीडियो लेके जाएंगे 300 व्यूज़ पे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो शनिवार की शाम फिर झोला बैठा हुआ है और फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 300 व्यूज़ नहीं हो पाए थे। देखिए रोना तो रोता रहेगा झोला, लेकिन दारू पीते हैं, एक बार दारू पीएंगे उसके बाद। ये देख के आपको लग रहा है, मतलब कैमरा पर्सन बहुत पास आ रहे हैं कैमरा, लेकिन हम ये कह रहे थे कि एक बार ओके एक सिप लेते हैं। हाँ, देखिए साथ में फर्रा लेके बैठे हैं, थोड़ा आपको समझाएंगे इसमें क्या है। कैक्टस का बना हुआ ये ड्रिंक है, देख के लग नहीं रहा, कैक्टस के जो फूल होते हैं या फल होते हैं उनका बना हुआ ड्रिंक है। So crops that are easy to like cultivate, and then you can have a bit more of like a abundance of these crops. And we use like a prickly pear, like pink dragon fruit, a little bit like a pastilla reduction, like some spicy notes, a little bit of lime oil, and then at the side we actually have like a the tahin salt ring, and some like a Mexican like a chili, together with lime and salt. So you can try the one without first, then you can try with the salt. Okay. Yeah. All right. So it's a bit more refreshing. And how is it too difficult to procure cactus flower in Mexico? You don't get it directly, just from there, lah. Right. Yeah. So it's actually too easier to like you know, they are more resilient crops, so they don't die off as easily. They don't need as much moisture to keep alive. Yeah. देखिए हट के वेज में दारू भी हट के हो रही है, बहुत बेहतरीन। और देखिए दूसरा रंग भी लेके आता है ये एल्गी वेल्गी, मतलब समझ रहे, मतलब दारू भी हटके हो रही है, खाना तो हटके हो ही रहा झोले का। सो फॉर ब्लू स्पिरुलिना वी बेसिकली एक्सप्लोरिंग हाउ वी कैन यूज एल्गी इन द फ्यूचर फॉर लाइक पावर एंड फ्यूल, सो आई थिंक मोर लाइक अ सुपर फूड। सो द मेन टू लाइक एल्गी इज ब्लू स्पिरुलिना एंड सो वाकामे, अ बिट मोर लाइक अ उमामी फ्लेवर, सो मोर रिफ्रेशिंग। ओके सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लिटिल कॉम्बु क्रैकर, एंड सो फॉर द ड्राइड किवी स्किन वी मेक द पाउडर to go with like the garnish. Oh, so okay. Okay. So yeah. You can eat it together. देखिए इतना मीठा मीठा लग रहा है, कॉकरेल तो ऐसी लगती है जैसे मतलब अंदर पूरा गटक लेगा। जिन बेस है ये, देखिए दारू का ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं है तो इसमें ज़्यादा अंग्रेजी बताएंगे नहीं इसमें। और ब्लू एल्गी मतलब देख के एक बार पास दिखाई कैमरा पर्सन कहेंगे, थोड़ा सा ये देखिए बहुत बेहतरीन, देखने में बड़ी फैंसी लग रही है। मतलब देखिए आप भी हमारे साथ चीयर्स कर लीजिएगा इसको, दोनों ड्रिंक्स एक साथ ले लेते हैं और देखिए साइड कर देते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा उबड़ खाबड़ सा कैमरा पर्सन, बड़ा उबड़ खाबड़ सा टेबल है ये, पता नहीं कुछ तो ज्ञान दिया भाइयों ने कि टेबल का क्या सीन है, तो उबड़ खाबड़ को भी बेच लेते हैं यहाँ पे लोग, तो उस पर नहीं जाएंगे हम, अब खाने भी लौटते हैं। तीन चीज़ हमने ऑर्डर कर रखी है इस वीडियो, भाई फर्रे देख रहे हैं झोले के बाद, मतलब झोला फर्रे लेके बैठा हुआ। सबसे पहले टाकोज ही दिखा देते हैं आप लोगों को, टाकोज ये हैं आपके। For our like a jackfruit tacos, that actually made with young jackfruit, like rendang sauce by the chef, and then topped with micro coriander and like a crispy taco shell. The crispy is squeezing like little lime onto the tacos itself. Okay. कटहल की जैकफ्रूट टाकोस, मतलब समझ रहे हमने टाकोस, मैंने शायद तो मैक्सिकन वीडियो में अपने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टाकोस दिखाया था, अलग अलग तरीके बीफ पोर्क पता नहीं वेज वेज दिखा लिया, जैकफ्रूट टाकोस थोड़े से ठंडे हो चुके पहले, एक बार जैकफ्रूट टाकोस एक बार कैमरा पास कहेंगे थोड़ा पास आ जाए। धनिया वनिया डली हुई बहुत बेहतरीन, और अंदर ऊपर बिल्कुल ही कहा कि इन्होंने बिल्कुल बच्चा जो जैकफ्रूट होता है कटहल, मतलब अंग्रेजी ज़्यादा नहीं बोलेगा झोला, जो कटहल होता है उसका यूज़ करते हुए, केले के पत्ता आप देख रहे हैं, मतलब केले का पत्ता डाला हुआ है भाइयों ने, हाँ असली केले का पत्ता बेहतरीन। उसके बाद देखिए टाकोस जिसमें बाद में, एक भाई काम करते हैं कैमरा पर्सन कुछ जाए पहले कि साला बाकी दिखा दें,
अरे बेहतरीन, इशारा कर दिया कैमरा पर्सन आंखों में कि भैया देखिए कूद जाइए सीधा, बेहतरीन। एक काम करते हैं थोड़ा नींबू गाड़ते हैं इसमें, वन टेक वीडियो बनने वाला, आप समझ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं झोला रुकेगा नहीं, खाएगा भी दिखाएगा भी, और दारू तो मेरा फर्रा उड़ जाएगा मुझे लग रहा है, रुकिए। और देखिए वन टेक वीडियो, भाई कोशिश अच्छी है भाई। रंदांग का अगर आप इधर इंडोनेशियन मलेशियन सिंगापुर घूम रहे हो, रंदांग एक अलग से यूनिक सा फ्लेवर होता है, थोड़ा मसालेदार ज़्यादा, जो लोग इतना मसाला पसंद नहीं है लेकिन उसका फ्लेवर आ रहा है। जैक फ्रूट शायद आ भी नहीं रहा कटहल, रुके एक और बाइट लेते हैं। कोशिश अच्छी, देख रहे धनिया उन्हें देख रहे हैं, हमें धनिया के भाई बच्चों को डाल दिया बोला, कहा इन्होंने जैक फ्रूट का बच्चा डाला लेकिन साथ में धनिया के बच्चे, बेहतरीन। यार नींबू लगता है मुझे थोड़ा और डालना पड़ेगा, और दाम बता देते हैं, खाते खाते दाम बता देते हैं। वो फट गई भाई, $25, मतलब समझ रहे $25, मतलब कि वाह वाह, तीन टाकोस $25, यानी कि हो गए ₹1300। आ हाँ, क्या 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 फर्रा, क्या फटका लगा झोले को। एक काम करते हैं, एक और बाइट ले लेते, भूख लगती बहुत तेज। कैमरा पर्सन हमें दिखाने पड़े थोड़ा माहौल दिखा दिया, हमने तो एक बाइट अच्छे से खत्म कर दिया। कैमरा पर्सन अच्छा काम करते हैं, थोड़ा माहौल दिखाते हुए, नहीं तो हमारी हमें दिखाते रह जाएंगे। अब चलिए दूसरी बात है, ये देखिए बेहतरीन चीज़ या दारू, एक काम करते थोड़ी दारू की कॉस्ट भी ले लेते हैं, ये बहुत ही बुरा टेबल है ये। हाँ हाँ देखिए एक एक सिप लेंगे, एक एक बाइट देंगे, एक एक डिश में कूदेंगे, और बेहतरीन। और पता नहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, पता नहीं हमारी आवाज़ कितनी आ रही होगी, लेकिन कोशिश करेगा। और कॉपीराइट स्ट्राइक से डरता थोड़ी ये झोला, मतलब यहाँ पे तो लग रहा है हमें पूरा कन्फर्म कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाला है, बट बेहतरीन। एक चीज़ देखिए, ये देखिए आप सबीचे, अगर आपने मेरे पेरू वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको असली सबीचे दिखाया था, जो कि मछली से बनता है, रॉ फिश से बनता है। और ये आपका भाइयों ने मशरूम काटे हुए, ऑयस्टर मशरूम पास दिखाएंगे, जब कैमरा पर्सन को कहेंगे इनके हाथ कांप रहे हैं, इनको भूख इनको खुद लग रही है, देख रहे हैं। और नीचे जो इन्होंने सॉस डाला हुआ है वो आपका नोरी ड्रेसिंग है। There'll be a sea grapes for texture and some like sesame snow. This is seaweed, no. The sea grapes is the green one, yes. Oh. Sea grapes. एक काम करते हैं भाई, उठाने में थोड़ी सी तकलीफ हो, मैं तो सजावट देख रहा हूँ, मतलब बेहतरीन। एक काम करें, एक बाइट लेकर झोला, देखिए एक हल्का सा आफ्टर टेस्ट फिश का तो आया है, लेकिन एक काम करें थोड़ी और बाइट लेते हैं, अच्छी कोशिश है। $15 का, बट एक फिशी सी स्मेल और फिशी सा टेस्ट ज़रूर आता हुआ, मतलब मशरूम के हिसाब से। अच्छा याद है, ये देखिए पास दिखाइए बाजू, ये देखिए इन्होंने हरे हरे रंग का जो शायद ये सी वीड या सी एलगे डाला हुआ है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो एक सी फूड, एक फिशी सा फ्लेवर आता हुआ। अच्छा नॉट बैड, मैं ढूंढने कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या था जो भाई सी ग्रेप्स कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब समझ रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी कुछ कुछ नया कुछ खा रहे हैं। समुद्री अंगूर, देखिए पिछली बार हमने बोला था आपको महफिल सजा लीजिए, आपने अंगूर पता नहीं सजाए कि नहीं सजाए, चौथे वीडियो में हमने जरूर सजा लिए, पाँचवीं वीडियो में सी ये भाई पास दिखाते हैं, अंगूर दिखाइए इन लोगों को, हम हाथ से उठाएंगे अंगूर को, ये देख रहे हैं आप अंगूर के गुच्छे, ये देखिए भाई टेक्सचर तो अंगूर वाला है, वो भी सीडलेस अंगूर, बिना बीज वाले अंगूर भाई, हम बेहतरीन। देखिए तो मतलब लग रहा है कि ख़त्म कर दूँ, कैमरा पर्सन कुछ मिलेगा नहीं, इसकी कीमत पंद्रह हो गया लगभग ₹750 भाई, थोड़ा झोले की लग रहा है, पांचवी वीडियो में ज़्यादा फटने वाली है, बट चलिए साइड करते हैं भाई। वन टेक वीडियो आ रहा है, बेहतरीन 9-10 मिनट का वीडियो हो चुका है। और देखिए आपको मोमोज दिखाने थे, हमने पिछली बार भी बोला था आपको कि लाजपत नगर में मोमोज नहीं खाए तो क्या खाए, बट यहाँ पर हम आपको फिर से मोमोज दिखाएंगे। और
पम्पकिन डम्पलिंग्स, भैंस की आंख, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कद्दू वाले मोमोज। This have actually have like a pumpkin dumpling. So the dumpling skin is actually made by the chef, and then we use like a little bit of pumpkin miso. That's also like fermented in house, minimally for a month. Topped with some fried garlic and also spring onions and drizzled with some chili on. इसको देखिए, हम हाथ से इसको छूने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडे हो चुके हैं देखिए, लेकिन ऊपर इन्होंने हरी प्याज के पत्ते, और ये देखिए साथ में इन्होंने एक काम करते हैं, बिल्कुल एक बाइट पूरी उठाएगा झोला, मतलब ऐसे रखेगा और ये देखिए, और साथ में उठाते हैं सही बताएं हमारे गाँव की ना आलू की पूड़ी और कद्दू की सब्जी की जो शादियों में मिलती थी दावत, और साथ में मिलता था उसमें पिसी हुई चीनी, वो ज़्यादा बेहतरीन थी। बट एक और खाएंगे, भूख बेहतरीन लग रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मोमोज वो भी कद्दू के। बताइएगा आप लोगों में से कितने लोग हैं, कैमरा पर्सन ऊपर दिखाइए हमें। हम लोगों से बात कर रहे थे, हमने सोचा था कि कैमरा लोगों से पूछेंगे कितने लोगों ने कद्दू के मोमोज खाए हैं। इतना महीन बारीक कर दिया। अरे यार दारू तो पी नहीं हमने पिछले तीसरे वीडियो तीसरा खाने से पहले, रुकिए। भाई लग रहा है अब चढ़ रही है, कद्दू चढ़े ना चढ़े, दारू तो अभी से चढ़ रही। हम कहते हैं अब में से बताइएगा कितने लोगों ने कद्दू के मोमोज खाए हुए हैं। अच्छी अच्छी कोशिश है, और हट के इनकी करने की कोशिश, हमारा हट के वीडियो बनाने की कोशिश थी। पांचवा वीडियो शायद तक समाप्त करें, तो लंबा वीडियो बन के हारे, कैमरा पर्सन ने मुंडे हिला दिए, सेवा समाप्त करते हैं। हट के वीडियो की जो सीरीज़ बनाई थी हमने, पांचवा वीडियो ये, आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। कुछ नई ट्राई करने की कोशिश करें, एक नई सीरीज शुरू करें इसके बाद झूला, उम्मीद करते हैं आपको वो सीरीज़ भी शायद तक, लास्ट वीडियो वाला अच्छा परफॉर्म किया, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी पसंद आएगा आपको, और आगे वाली सीरीज़ तो मतलब यकीन मानिए कोशिश कुछ नई करने की कोशिश करेगा। सी वीड के इस दारू के, मतलब समझ लेना कैमरा पर्सन के भी दारू ख़त्म करते हैं। चलिए इस दारू के इस सिप के साथ, नहीं इस सिप के साथ नहीं, रंगीन सिप के साथ, एक गुलाबी सिप के साथ, बेहतरीन इस नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नई सीरीज़ में, एक और नए सफरनामे में। तब तक देखिए हट के दिखाने की कोशिश थी, डाकोज भूल गया मैं, कटहल का टाकोज, कद्दू का मोमोज और मशरूम के सवीचे। फिर वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो शायद तक उसमें मैंने सवीचे दिखा हुआ नहीं जैसे मैंने बोला कि, बट चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं अगली बार एक और नहीं सफर, मतलब तक खाइए वाला और घूमिए वाला। कैमरा पसंद एक बार माहौल दिखा दी, माहौल बड़ा बेहतरीन था यहाँ पे, बड़ी फैंसी सी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं आपके सिंगापुर में, रंग बिरंगा क्रिसमस के माहौल में सजा हुआ यहाँ का माहौल। सेवा समाप्त हो गया भैया, थक गए हम बोलते बोलते।